नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और मैं आज आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया और एक बुरी खबर भी लेके आया। दरअसल दो खबर नहीं है कि एक अच्छी है और एक बुरी है, एक ही खबर जो कुछ लोगों के लिए अच्छी है और कुछ लोगों के लिए बुरी। क्या है वो खबर? दरअसल वो है खबर UPHGS से संबंधित, यानी जो व्यक्ति UPHGS की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए एक खबर है। हुआ ये है कि UPHGS की जो नियमावली थी उसमें परिवर्तन किया गया है। पहले से जो रूल चले आ रहे थे उसके एलिजिबिलिटी के लिए जो क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। वैसे परिवर्तन बहुत सारे किए गए हैं, लेकिन उसमें जो पैरा 7 है, रूल 7 है, उसकी बात हम लोग करेंगे क्योंकि हमारे लिए वही जरूरी है। हुआ ये है कि पहले जो 7 ईयर का एक्सपीरियंस होता था, मतलब ये कि अगर कोई भी व्यक्ति जो पिछले 7 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हो, चाहे वो लोअर कोर्ट में कर रहा हो, चाहे वो हायर कोर्ट में कर रहा हो, मतलब हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में, वो एलिजिबल होता था UPHGS का फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया पहले से था वो तो एज इट इज रहेगा ही, 7 ईयर के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी ही, लेकिन सिर्फ 7 ईयर के एक्सपीरियंस से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि अब कोई भी व्यक्ति या वही व्यक्ति फॉर्म भर सकेगा UPHGS का, जो उस फॉर्म को भरने की जो डेट आती, जो नोटिफिकेशन आता है, उससे पिछले 3 सालों में अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी का है तो कम से कम 30 केसेस उसने इंडिपेंडेंटली लड़ा हो, यानी कम से कम 30 केसेस में वो इंडिपेंडेंटली इन्वॉल्व रहा हो, अदर देन बंच केसेस। मतलब ये कि किसी और के साथ नाम नहीं जुड़ा होना है, व्यक्तिगत रूप से उसने उस केस को लड़ा। और जो अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा, यानी जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए पिछले 3 साल में 24 केसेस में नाम, मतलब इंडिपेंडेंटली उन लोगों ने इन्वॉल्व रहे हैं, अदर देन बंच केसेस, मतलब अन्य लोगों के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये अब क्राइटेरिया आ गए। देखिए, कोई बुरा नहीं है, अच्छी पहल है, लेकिन अच्छी पहल होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि आप जानते हैं UPHGS एक बड़ा पद है और इसके लिए बहुत सारे लोग लालसा रखते हैं और होना चाहते हैं। तो बहुत सारे हमारे अधिवक्ता भाई करते क्या हैं कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कोर्ट में करा लिया है, लेकिन वो सीरियसली प्रैक्टिस नहीं करते। किसी के साथ नाम जुड़ा हुआ है और किसी बड़े लायर के नीचे वो अपना, उनका नाम चल रहा है, वकालतनामा में नाम भी पड़ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं, कर वो प्रिपरेशन रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ये खबर बहुत बुरी है, क्योंकि उनकी लॉ की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब इंडिपेंडेंटली इन्वॉल्व होने की जो कंडीशन रख दी गई है, वो कम से कम 30 और 24 केसेस, वो बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन वो लोग जो ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो कि इसके लिए चाहिए था कि ऐसे लोगों को ही HGS में लेना है जिन्हें 7 ईयर्स का वास्तव में लीगल प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस हो, तो ये पर्पज अब पूरा होगा। माने उसमें अब वही ईमानदार लोग ही जो वास्तव में सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ही वो दरवाजा खुला है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट ही अब जो बनेगा वो इसी आधार पर ही बनेगा। जो अगर आप लोअर कोर्ट में करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज बना के देगा, और आप हाई कोर्ट में करते हैं तो वहाँ का रजिस्ट्रार बना के देगा, और उसके आधार पर ही आप फॉर्म भर पाते हैं। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो लगाना है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ही ये बात होनी चाहिए कि ये इन इतने सारे केसेस में इन्वॉल्व है। तो अब समझ लीजिए कि अब करना क्या है। देखिए, कोई बड़ी समस्या नहीं है, अब से भी कोशिश करिए कि प्रिपरेशन तो करते रहिए, लेकिन कोर्ट जाना शुरू करिए, और कोर्ट जाने के साथ साथ केसेस में अपना पर्सनली नाम इन्वॉल्व कराइए, उसको लड़िए, ताकि कम से कम जो मिनिमम क्राइटेरिया है HGS की, उसको आप फुलफिल कर सकें। और जानते ही हैं आप कि बहुत जल्द फिर से एक नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आगे वाले नोटिफिकेशन का लाभ उठाने के लिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी तो है, क्योंकि आपने अभी तक जो सीरियसली तैयारी की थी उसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लग गया, उसमें थोड़ी सी बाधा पहुंच रही है, लेकिन चलिए उन लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो गया। क्योंकि ये जो भीड़ मच रही थी ऐसे लोगों की जो सिर्फ प्रिपरेशन में लगे हुए थे, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते थे, वो भीड़ थोड़ी सी अगली बार और कम हो जाएगी। थैंक यू, फिर ऐसे नए अपडेट के लिए मिलते रहेंगे आप लोगों से। थैंक यू, नमस्कार।
एक और जरूरी बात, अन अकेडमी जैसा कि आप जानते हैं कि जुडिशियरी के लिए प्रिपरेशन करा रही है, इसमें एक बहुत स्पेशल ऑफर चल रहा है। और वो ऑफर ये है कि अगर इस समय मतलब 28 अप्रैल रात को 12 बजे से पहले अगर सब्सक्रिप्शन लिया जाए तो वो 20% तक का डिस्काउंट दे रहा है। क्या प्लान है अन अकेडमी का, मतलब कितना डिस्काउंट है वो एक बार देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर आपको क्लियर हो जाएगा कि आप देख सकते हैं कि 24 महीनों का अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया जाए तो ये जो कि 63,250 रुपये का था ये 50,600 का हो जाएगा। इसी तरीके से 18 महीने का लेंगे तो 42,000 हो जाएगा, जबकि था 53,000 रुपये का। 12 महीनों का लेंगे तो 43,000 से 34,000 हो जा रहा है। इसी तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन का आइडिया लग जा रहा है कि कितने महीनों का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो कितना आपको पे करना होगा। और इतना ही नहीं बल्कि एक चीज़ और इसमें है कि अगर आप एक कोड होता है जो कि सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको दिखेगा, राय ला टेन RAIL AW 10 का प्रयोग करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते समय तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब वो 20% अलग और ये प्लस 10% अलग। तो आज अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आज रात 12 बजे से पहले सब्सक्रिप्शन लेने, मतलब 28 अप्रैल 2022 को 12 बजे रात से पहले ले लें। थैंक यू।